अरे सुरजे वाला मुझे जरा वो स्क्रिप्ट दो। भाई और बहनों, यार ये भाई और बहनों क्यों लिखवा है? मुझे पसंद नहीं है सब चीजें, ये उनका ट्रेडमार्क है, मेरे को नहीं पसंद। तो देखिए भैया, आज की ये जो यहां पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और मैं अपने आप को आज पूरी तरीके से तैयार करके आया हूं। ये जो किसानों के साथ हुआ, क्या हुआ था? हाँ, बंदे तो हमारे ही थे ना, इसलिए मुझे पता नहीं क्या। हाँ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। 1 साल का टाइम लग गया ये समझने में कि हमारी मांगे क्या हैं, परंतु मैं यही कहूंगा कि यह गलत हुआ। अगर हमारी सरकार होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। टिकैत जैसे बंदे, उनको नहीं बैठना पड़ता। अरे वो थोड़ी है, ये वो थोड़ी है यार, वो क्या बोलते हैं, किसान विसान थोड़ी है वो। अरे वो तो भाई अपना बंदा वो है कि जो इन सबको इकट्ठा करता, आरतियों को, पहले बताया तो था तुम्हें। खैर, अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देते, क्योंकि हमें पता होता कि कौन कर रहा है और हम उसे वहीं रोक लेते, दबा देते। हमारी सरकार होती तो शाहीन बाग नहीं होता, हमारी सरकार होती तो टिकैत नहीं होता, हमारी सरकार होती तो नए पुल नहीं होते। यार कुछ सच निकल रहा है। रामलला का मंदिर नहीं होता। यार किसने लिखी है स्क्रिप्ट सुरजवाला? तुमने लिखी है? तुम तो यार, मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, आप मैं रेडी हूं, मैं जो मर्जी चाहूं मैं करूंगा, मैं बोलूंगा। तो रामलला का मंदिर नहीं होता भैया, जेवर के अंदर सोना नहीं होता, नहीं, जेवर के अंदर मतलब नया एयरपोर्ट नहीं होता। क्यों खामखा फजूल पैसे खर्च करने हैं? परंतु एक चीज हमेशा होती, हाथ और पप्पू का साथ। और मैं आपको बता दूं, यार तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि 26 जनवरी है, मैं 15 अगस्त की तरह याद करे जा रहा हूं। हद करते हैं यार ये लोग। सुरजेवाला, तुम्हारे वेतन में से पैसे कटेंगे अगर वेतन मिला तो। मीडिया सलाहकार, मीडिया सलाहकार, चलो कोई बात नहीं, अगर वहां कोई चूज नहीं छुई तो मैं अपना देख लूंगा, मेरे को भी तो बोलना आता है, मैं क्या कम बोलता हूं। मैंने नहीं बोला था आलू और वो मशीन कितना फेमस हो गया था? मैं कपिल आज तक भी पैर छूता है मेरे कि नहीं सर, आप जैसा तो कोई बना ही नहीं। बहरहाल, मैं कहां पर था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो जो चीजें बनाई हैं वो सब ऐसे ही हैं। प्रगति तो हमने करी थी, विकास हमने किया था, बिल्कुल शांति से काम होता था, पैसे दे दो और काम हो जाता था, वही था असली, असली में भारत बढ़ जो रहा था वो वही था। क्या फायदा हुआ नोटबंदी से, क्या फायदा हुआ और किसी चीज से, जीएसटी वगैरह से, गब्बर सिंह टैक्स से, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाम खा की इधर की उधर, उधर की इधर उठा पटक, लोगों को भी परेशान किया, खुद भी परेशान हुए और विपक्ष को भी परेशान कर दिया। मैं नहीं मानता इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के कानून को। क्या हुआ जो हमारा नाम आज पूरी दुनिया में है, राफेल ले आए इतने सारे? ठीक है यार, ले, ये तो अच्छी बात थी, ये पॉइंट हटा देना है ना। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि एक बार हमें फिर मौका दे। आप देखिए, मैं बदल चुका हूं, पहले मैं 48 साल का था, अब मैं 52 साल का हो गया हूं। इससे ज्यादा बदलाव कुछ होगा? आप बताइए। दिमागी रूप से मैं बढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन बड़ा तो हो रहा हूं ना यार सुरजेवाला। मैं बढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं बढ़ूंगा, बड़ा कब होऊंगा यार?
यही सवाल मैंने मम्मी से भी पूछा था, पर चलिए कोई बात नहीं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने आपके कोर्ट में बॉल डाल दी है, अब आपको बस मेरा साथ देना है और इस तरीके की सरकार से मुक्ति पाना है जो सिर्फ विकास विकास का काम करे जा रही है। कुछ हुआ है? अरे यार ये जैकेट वैकेट लेकर के चलना वरना मैं भी केजरीवाल हो जाऊंगा। मैं रखता हूं, अपना ख्याल रखिए आप, और ये रिकॉर्ड कर लिया ना तुमने? हाँ अच्छे से वो रख लो, अगर वहां पे नहीं चला 26 पे तो फिर मैं 15 अगस्त पे बोल दूंगा। ठीक है, ओके, ओवर एंड आउट।